पहला वोटर भी तय कर चुका किधर जाना है। लोग आएंगे अपनी अपनी बात और तर्क देंगे, ये वही लोग होंगे जो राज किए। कुछ लोग गठबंधन लेके आएंगे, ये गठबंधन देखो बड़ा साधारण सा ये गठबंधन हमको लगता है, कुछ महागठबंधन बोलते हैं, ये गठबंधन है क्या? देखो यही कांग्रेस पार्टी यही राजद, यही कांग्रेस पार्टी यही राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों चुनाव के समय गठबंधन किए हैं। तो हम तो ऐसे कहते हैं कि भाई देखो किस रूप से इनका गठबंधन है, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। ये झारखंड के अस्मिता की बात करते हैं, स्वाभिमान को बेचने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और खरीदने वाला कांग्रेस, यही लोग तो किए। इनको राज करने का मौका नहीं मिला, ये नहीं कर सकते। बाप बेटा मिलके तकरीबन 3 बार 4 बार ये लोग यहां का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन इनको जितनी बातें ये कहते हैं उस समय स्थानीय तो नजर नहीं आया, तो मोसाइल नजर नहीं आया। और जो सीएनटी एसपीटी की बात करते हैं तो पहला दस्तखत करने वाला कोई दूसरा नहीं हेमंत सोरेन ही है, कि सीएनटी पर सबसे पहला दस्तखत करने वाला हेमंत सोरेन जी है। और पता नहीं झूठ कैसे बोल सकता है, अपने दस्तखत पे यहीं पर खड़ा हो जाता है और खुल के झूठ पब्लिक के बीच बोल देता है। और इनकी आदत रही है, पीढ़ी से आदत रही है, इनको शासन भाता है, शासन भाता है, शासन करने के ये लोग आदी है। ये सोना का चम्मच लेकर ये लोग पैदा हुए हैं, गरीब का हाल नहीं जानेंगे। और गरीब का हाल जानने के लिए न कभी इनकी जिद रही है, ये कभी नहीं, इनको केवल वोट चाहिए। सुदेश माधव वोट मांगने नहीं आया है, मत मांगने आया है, विचार मांगने आया है कि आपका विचार मनोज चंद्रा के पक्ष में पड़े या तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया है। लोगों को ये हिम्मत कहां से? सुदेश महतो का उपराध क्या है, ये ऐसा निर्णय ले सकता है? तो मैं बताना चाहता हूं उनको, ये जो हिम्मत आई वो आजाद भारत के 70 साल में इसी सिमरिया के एक गांव में अदना सा परिवार 2 जून रोटी रोटी के लिए तरसता है। हमारा 70 साल आजादी का न जाने कितने पार्लियामेंट मेंबर और असेंबली मेंबर यहां से चले गए, बावजूद बिजली के लिए तरसता है। गांव आज पीने के पानी के लिए तरसता है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तरसता है, और मेरे छोटे भाई स्कूल के लिए तरसते हैं। ये जो वातावरण गांव का है, इसी वातावरण ने सुदेश महतो को हिम्मत दे गया, और इसी हिम्मत के साथ सुदेश महतो आया। और आप पूछेंगे, आपने पूछा है कि औकात क्या है, तो मेरी औकात दिख रहा है, यही मेरी औकात कि हजारों हजार की संख्या में जो लोग सड़क उतर के आए, यही मेरी ताकत और यही मेरी औकात। इसी औकात के सहारे सुदेश महतो 2019 के चुनाव में आपके बीच चुनौती देने के लिए आया। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा ना? ये पूरी लड़ाई एक साधारण परिवार, ये लड़ाई राजा और रंग का है। राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग राज करने की प्रथा जिनको लग गई है, लत लग गई है, ये उनके और जनसाधारण के बीच में रहने वाले आम लोगों की लड़ाई है। चूंकि इस भीड़ ने साहस किया है उस चुनौती को स्वीकार करने का, इसे मंजिल आपको पहुंचाना है, इस जिद को, ये सुदेश महतो और यहाँ के हजारों कार्यकर्ता महिला दीदी की इस जिद को जीत में परिणत करने की तैयारी आपको करनी है, ये तय कर देना है। और मेरा कमिटमेंट है, मेरा संकल्प है कि प्रदेश को मैंने बारीकी से देखा समझा, नेतृत्व दिया है, और ये आपका भाई और बेटा आपको भरोसा दिलाता है कि जाइए सामाजिक न्याय की लड़ाई को मुकाम तक हम पहुंचाएंगे।
इसके लिए 5 साल इंतजार नहीं करना, कोई सौदा नहीं करना। मैंने देखा है कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वोट का लोग इंतजार करते हैं। मैंने इसी सरकार के अपने मुखिया और पूरे देश के मुखिया से आग्रह किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के आसपास रहने वाले लोगों को बिहार से अलग होने के बाद जब प्रथम सरकार बनी तो एक उप समिति ने एक निर्णय लिया था, यही एनडीए की गवर्नमेंट की भाजपा आज तब भी था। मुझे लगा कि ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मुझे लगा कि इस बार तो हल हो जाएगा, लेकिन चाहे दिल्ली में चाहे रांची में मैंने कई बार इन चीजों को दोहराया लेकिन निर्णय ना निकल पाया। लेकिन जब निर्णय दूसरे से ना निकले तो कमान अपने हाथ में लेना पड़ता है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तैयार है ना आप सभी लोग? जिस पर मेरा भरा बयान आ चुका, मैं झारखंडवादी राजनीति करता हूँ, झारखंड के विचार को जहाँ तक मिलेगा वहाँ हम काम करेंगे, लेकिन झारखंड पे झारखंड के लोगों का इस पूरे झारखंड आंदोलन अरे यार मंजिल नहीं पहुँचाना, झारखंड की सोच को वहाँ तक पहुँचाना, आवाम की सोच को स्थापित करना और झारखंड प्रखंडियों के लिए बेहतर प्रारूप तैयार करे, ये सारे कई विषय थे। आपने देखा पिछले 5 साल तक में लगातार सरकार के सहयोगी होने के बावजूद मुझे सड़क पर उतर पर कई बार विपक्ष की भूमिका में आना पड़ा, कई बार बड़े जन आंदोलन पार्टी ने तैयार किए, इन सभी विषयों को फिर से आना ना पड़े मैंने इसलिए साझा रूप से विचार के आने की अपील की। ये ना हो पाया, हम आगे बढ़ें और पार्टी का एक दायित्व भी है, हम अपना नेता अपना चित्र नहीं खोना चाहते, उन लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद है, हम मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे, लोगों का विचार को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर कितने क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे, कितने अभी कई और पीछे हो गई हैं सर, तेरी सर क्या इन लोग चलिए चलिए देख रहे हैं आगे घसा कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं ना। झारखंड के झारखंड के जनता का जनादेश जीतने दीजिए, मोबाइल 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 है ना।